नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे, जहां हम आपको दिखाएंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हर राज्यों की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज की संस्थाओं के अध्यक्ष का हार्दिक अभिनंदन हुआ। जोधपुर स्थित उम्मीद क्लब में आयोजित समन्वय से समर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम पूजित भगवान गणेश का वंदन करते हुए मां श्री महालक्ष्मी के चरणों में नमन कर श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज की विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष का हार्दिक अभिनंदन किया, जिसमें चिरंजी लाल दवे मार्गदर्शक एवं पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज संस्था पुष्कर, विधु शेखर दवे अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज संस्था पुष्कर, सुरेंद्र कुमार त्रिवेदी अध्यक्ष, श्री गुरु फूल नारायण आश्रम न्यास सोजत सिटी महेंद्र बोहरा अध्यक्ष श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज महानगर जोधपुर, कैलाश श्रीमाली अध्यक्ष श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज महामंदिर जोधपुर, सेवाभावी सत्यनारायण बोहरा, एडवोकेट महेश सोझा, सेवाभाई मुकेश दवे, एयरफोर्स नरेंद्र लाल त्रिवेदी, विक्रांत दवे द्वारा माल्यार्पण कर साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इसी कड़ी में श्रीमती संगीता दवे महिला अध्यक्ष महामंदिर का श्रीमती कुसुम ओझा द्वारा माल्यार्पण कर सार उड़ाकर स्वागत किया। इस अवसर पर कमल ठाकुर अध्यक्ष परोपकार चैरिटेबल संस्थान, ललित शर्मा पूर्व डायरेक्टर जोधपुर रेलवे स्टेशन आदि लोग मौजूद रहे। इसलिए क्या है, अपने जब तक बैठकर ऐसे लोगों से, अपन आज जोधपुर के और अपन आसपास के इतने लोग हैं, जैसे कहता है 100 है 150 लोगों में ऐसा, और अपन जोधपुर डिवीजन का ले वगैरह, उसके बाद में और आगे बढ़े, ऐसा नहीं वो बैठ आपको एकदम अपना अखिल भारतीय स्तर पर करें, अपनी संस्था है, सब कुछ है, और उसके लिए अपने पहले अपन लोग आगे आगे यदि ऐसा करते हैं तो मैं आपको विश्वास देना चाहूँ निश्चित रूप से अपन उन बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए भविष्य के लिए करेंगे। तो वो जो बच्चा, एक बच्चा अपना आईएएस बनेगा, एक आईपीएस बनेगा, तो निश्चित रूप से उन लोगों के अच्छा अपने को सबूत मिलेगा उन बच्चों से, और वो आगे से आगे अपने लोगों की पीढ़ी तैयार करके और चिंतनी समाज में भी कहीं जाएगा। अध्याय समाज जाते नहीं, इनका कहीं भी रिजर्वेशन होता है किसी जैन को, बोल लो किसी ने जहाँ जो होता है ऑल इंडिया में सब लोग बैठे जहाँ रिजर्वेशन करना हो गया, यही भी कोटे में करवा देते हैं, कोई आई आर एस है, कोई आई पी एस है। और एक्चुअली हम 5 जने बहुत अच्छे मित्र हैं और वो इकट्ठे होते हैं, तो अभी क्या है कि अपने समाज की 500 इकाई है, उनकी कार्यकाल हमने देखा तो मैं लगा कि सब अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं, और जो भी अध्यक्ष है, जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी है, उनकी समन्वय अच्छा है और अच्छा बन कर रहे हैं, चाहे वो उसके संस्था हो, महानगर संस्था हो, और आरोग्य भवन में जिला जी भी अच्छे कर रहे हैं, ये भी पूरे साथ दे रहे हैं, और पुनः आश्रम में भी खराब हुआ, तो हमने कहा कि अगर ये कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अपना करते करते हुए बनता है, इन लोगों का सम्मान किया जा रहा है, और इससे क्या है कि आप माला तो किसी का आपका सम्मान हो रहा है, इससे आदमी बहुत कार्य करने की उससे हमारी कोई राजनीति नहीं है, हम लोग 5 मिल जाए जिसमें हमारे सुखी है आनंद जी त्रिवेदी है, मुकेश जी दवे, तो हम लोग जब भी फंक्शन होते हैं इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के साथ में भी होते हैं, तो हमने कभी सबका सम्मान एक बार हो जाए और उनकी इच्छा भी हुई, और दो बार हमारे केला जी और मैंने जी, तो मैं विशेष तौर से अपनी बात कही, तो दोनों बार सभी ने वापस आए, तो मैं वो बस उत्साह था वैदिक शिविर जी थोड़ी सी जानकारी दे दूँ मैं आप सब में, और वैदिक शिविर 10 दिन 15 दिन या महीना भर वहाँ तो नहीं है, और पूरा साल भर चल रहा है, लिपिक श्रीवास्तव भी है, और जन्म लेन मृत्यु तक का जी का कर्म है, ना पूरा एक सिलेबस है, उन्होंने शुरुआत संध्या हुए और अंतिम में जितना सजा होने तक का कोर्स उन्होंने, तो आप सबने और निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा अपने भाग लो, शिविर हो, तो एक
नाम दिया हुआ इन्होंने अपने तीन दिन को आवासीय शिविर भी शामिल रहना जिनमें समाज समन्वय समर्पण बल समाज आगे के साथ वो जैसे आज जीजू जी ने काम किया अच्छा तो उनसे बढ़िया काम मैं करता हूँ ये आज महेंद्र जी जो काम कर रहे हैं उनकी प्रेरणा से आज ऐसा मजबूत है आज छोड़ा नहीं था आज मुकेश पिता जी भी आज इंडिया में कहीं नहीं इतनी बड़ी जगह उसको भी साथ मिल के काम करेंगे तो समाज को थोड़ी जगह डेवलप होती है पुष्कर भी है पुष्कर भी मैदान बहुत बड़ा लंबा छोड़ा है तो इन एक से कहते हैं कि आप भी वहाँ एक अमाउंट फिक्स कर लो आप कि हमको हर साल में इतना हजार रुपये वहाँ देना है पहले आप लोग उसके बाद इस संस्था आपने देखी लेकिन क्या समन्वय बनता रहे